तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि WWE के अपकमिंग पेपरव्यू किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो दिल थाम के बैठिएगा और इस वीडियो को मिस करने की गलती मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं वुमेन चैंपियनशिप के मैच के बारे में, जो कि हो रहा है बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि लिव मॉर्गन बेकी लिंच को हरा के बन जाएंगी न्यू वुमेन चैंपियन। क्यों, इसका कारण है और इसके कारण नाम है रिया रिप्ले। लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ले को इंजर्ड कर दिया, जिसके वजह से रिया रिप्ले को अपने टाइटल को छोड़ के जाना पड़ा और अब लिव मॉर्गन चैंपियन बनेंगी। तब रिया रिप्ले रिटर्न आके लिव मॉर्गन को चैलेंज करेंगी। अब आइए बात करते हैं सैमी ज़ेन के मैच के बारे में। सैमी ज़ेन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में अपने टाइटल को ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड कर रहे हैं, जहां पर सैमी ज़ेन की अपोनेंट है ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल। और इस मैच में सैमी ज़ेन ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल दोनों को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे। WWE सैमी ज़ेन को एक अलग तरीके का पुश दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि सैमी ज़ेन के पास से टाइटल इतनी जल्दी जाने वाला है। अब आइए जानते हैं कि किंग ऑफ द रिंग कौन बनेगा। तो इस बात के सबसे ज्यादा चांस है कि गुंथर किंग ऑफ द रिंग बन सकता है, लेकिन उसके बाद गुंथर को मिल सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि वहां पर रिटर्न आ सकते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर और गुंथर की दुश्मनी की शुरुआत हो सकती है। और रही बात क्वीन ऑफ द रिंग की कि क्वीन ऑफ द रिंग कौन बन सकता है, तो इसके लिए दो नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम तो है बियांका बेलर का। बियांका बेलर क्वीन ऑफ द रिंग बन सकती है क्योंकि WWE बियांका बेलर को काफी पूछ दे रहा है। और दूसरा नाम है उन्हीं की टैग टीम पार्टनर जेड कारगिल का। जेड कारगिल भी क्वीन ऑफ द रिंग बन सकती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल के मैच में क्या होगा। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस मैच का विनर कोडी रोड्स ही बनेगा। कोडी रोड्स इतनी आसानी से अपने टाइटल को नहीं हार सकते। कोडी रोड्स लोगन पॉल को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स को मिलेगा सरप्राइज, क्योंकि कोडी रोड्स का सामना करने के लिए वहां पर द रॉक अपनी पूरी ब्लड लाइन को लेके आ सकते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद रॉक को भी सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि रूमर एक्स अपने बिग डॉग वाले अवतार में रिटर्न आ सकते हैं WWE में, और उसके बाद रॉक और रूमर एक्स का फ्यूड चालू हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।